तो ये हेलो गाइस यार, कैसे हो? तो गाइस यार, आप सभी लोगों का स्वागत है माइनक्राफ्ट की एक न्यू सीरीज के अंदर, जिसमें कि हम लोगों को ओमनीट्रिक्स को क्राफ्ट करना पड़ेगा। तो गाइस यार, सच्ची में ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होने वाली है। हम लोग को पहले तो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स कलेक्ट करनी पड़ेगी, और रिसोर्स कलेक्ट करने के बाद हम लोग को ग्रैंड प्रमैक्स को, ग्वेन को, रश बकेट को, सबको एक साथ इकट्ठा करना होगा, और ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोग को ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबाना। ओए मना, अब बात करते हैं पिछले वाले वीडियो के शाउट आउट के बारे में। तो मेरे तरफ से इन सभी लोगों को 2.5 किलो वाले हाथ का शाउट आउट जाता है। ओए हाँ यार गाइस, मेरी तरफ से भी आप लोगों को शाउट आउट जाता है। तो चलो फिर आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं, और हमारे साथ वैसे ही बेंटेन है। ओए चल फिर तो बिल्कुल मुना स्टार्ट करते हैं ना। ओए तो भैया, सबसे पहले माइनक्राफ्ट की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को काफ़ी सारे वुड को इकट्ठा करना पड़ेगा, और वुड को इकट्ठा करने ओए मुने ये खाली यहाँ पे ये बोल के पड़ी, इसको तो उठाना पड़ेगा। हाँ भैया उठा तो लेते हैं, लेकिन भैया यार यहाँ पर तो एक डोगी है, हम लोग भैया डोगी को यार टेम भी नहीं कर सकते। तो भैया कोई बात नहीं, हम लोग जैसे हमारे पास बोन हो जाएगी, हम लोग यहाँ पर आकर सबसे पहले डोगियों को टेम कर देंगे। ओए मुने चल जल्दी से मैं अपने 2.5 किलो के हाथ का कमाल दिखाता हूँ, और जल्दी से इस वुड को तोड़ता हूँ। ओए हाँ यार भैया बिल्कुल, आप तो अपने 2.5 किलो वाले हाथ का यूज़ करिए, और जल्दी से आप वुड काटिए। और फिर वुड काटने से के बाद हम लोग को एक छोटा सा एक शेल्टर बनाना होगा, जिसमें कि हम लोग अपनी रात को स्पेंड कर सके। ओए मुना चल ठीक है, वो भी कर लेंगे। जाओ ये क्या मुना, छोटे छोटे नन्हे मुने डोगी ये हैं यहाँ तो। ओए अरे भैया यार, उसकी बातों में तो मैं नीचे गिर गया। ओए मने ये काम करते हैं, सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा, और क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए प्लैंक्स में बदलते हैं इनको। ओए हाँ यार भैया, चलिए क्राफ्टिंग टेबल हो चुका है, तो थोड़े से स्टिक भी बना लिए, और स्टिक के बाद भैया थोड़े से टूल्स भी बना लेते हैं, क्योंकि भैया टूल्स से क्या होगा, हम वो जो वुड है और वुड को हम जल्दी से आराम से काट पाएंगे। ओए मना बिल्कुल, तू बिल्कुल सही बात कहता है, तो एक काम करते हैं, ये बैंटन तू ले ले, और एक को हम ले लेंगे। ओए तो भैया मैंने बैंटन को दे दिए, अब बैंटन उसका यूज़ करेगा। इतने भैया हम एक काम करते हैं, जितने भी ये कोबल स्टोन होते हैं और जितने भी हमारे पास कोल होते हैं, हम इनको इकट्ठा करके आते हैं। ओए मना बिल्कुल, तेरा आइडिया एकदम लल्लन टाप है, तो जल्दी से इसको तोड़ के आना पड़ेगा मुन्ना यार। ओए तो भैया चलिए जल्दी से इसको हम तोड़ कर आते हैं, लग जा काम पे। ओए तो गाइस यार, ओवरऑल हम लोगों ने 31 कोबल स्टोन ले लिए हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये 14 कोल भी हो चुके हैं, और यहाँ पर 15, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इन्हें भी लेकर चलते हैं। ओए मना इनको एक और बात बता देना। ओए हाँ गाइस यार, ये बात नहीं है कि हम लोग वो अल्टीमेट्रिक्स वाली सीरीज़ को भूल गए हैं, अल्टीमेट्रिक सीरीज भी साइड बाई साइड चलती रहेगी, हम लोग इसमें खाली सर्वाइवल खेलते रहेंगे, और उस सीरीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो मिशंस होंगे हम लोग उनको पूरा करेंगे, जैसे कि हम लोग किसी के साथ फाइट करेंगे, तो वाली सीरीज आप जरूर से देखिएगा। ये तो वैसे भी नॉर्मल सीरीज है, ये आपको एंटरटेन करने के लिए। ओए मना चल ये बात हो गई, चल अपने जल्दी से पिकैक्स बनाते बढ़िया वाली। ओए भैया जल्दी से हम लोग को जितनी वुड हो सके हम लोग को वुड काटनी पड़ेगी, और भैया जल्दी से हम लोग अपना खाना भी लेना पड़ेगा सबसे पहले। ओए मना सबसे पहले तो यहाँ पे शीप देखनी पड़ेगी, अगर यहाँ पे शीप होएगी तो उनको मार के हम लोग वुड ले पाएंगे ना। ओए तो भैया यार, सबसे गंदी चीज़ मेरे को ये लगती है कि हम लोग यहाँ पर इनको मारते हैं, लेकिन भैया माफ़ कर दो यार गाय, हम लोग आपको थोड़े वक्त के लिए मारेंगे बस। ओए मना उसके बाद अपने लिए थोड़ी सी क्रॉप उगा देंगे, और क्रॉप के बाद ना इनको मारेंगे नहीं ना। ओए हाँ यार भैया, उसके बाद तो हम लोग अपने लिए ब्रेड का फार्म बना लेंगे। ओए चल बिल्कुल बढ़िया, अब बैंटन काम पूरा हो गया क्या तेरा? ओए अरे भैया बैंटन को करने दीजिए ना, बैंटन तो काफी ज्यादा वुड को इकट्ठा कर रहे हैं। ओए मना बड़ी बिल्कुल बढ़िया हो गया, चल बैंटन तू तो बाहर निकल, और हमारे साथ ना घर बनाना स्टार्ट करना। ओए अरे भैया घर को छोड़िए, सबसे पहले तो हम लोग को खाना चाहिए होगा, और खाने के लिए भैया हमें काफ़ी सारे एनिमल्स को मारना होगा। ओए मुना अगर यहाँ पे एक विलेज मिल जाता तो कितना बढ़िया काम हो जाता ना। हाँ यार भैया बिल्कुल बढ़िया काम हो जाता। भैया सामने की ओर मेरे को कुछ चिकन दिखाई दिए, तो भैया चलिए चिकन को मारते हैं। ओए मुना बिल्कुल चिकन को तो मारना ही पड़ेगा। अरे भैया यार, सबसे गंदी चीज़ मेरे को लगती है, तो यार भैया माफ़ कर दो। ओए ये मर गई। ओए
तो चलिए भैया, जितने भी हमारे पास ये चिकन है इनको मारते हैं। ओए मना, ये इसको भी माफ़ करने को कह देना। ओए अरे यार भैया, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो यार चिकन, तुम्हें मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। ओए मना, इनके लिए तो कुछ बढ़िया सा काम करना पड़ेगा ना। ओए हाँ यार भैया, बिल्कुल बढ़िया काम करना पड़ेगा इनके लिए, क्योंकि भैया ये इतना ज़्यादा बलिदान दे रहे हैं हमारे लिए। ओए मना, वहाँ पे थोड़े पिगी भी मिले, चल पिगी को भी मार के आते हैं। रुके भैया, थोड़ा रास्ता देखने दीजिए, रास्ता देखने के बाद ऊपर चलेंगे। ओए रुक जा, ओए ये मारी छलांग, और यहाँ पे भी मारी मैंने छलांग। ओए अरे भैया, बिल्कुल सामने की तरफ चलिए, सामने की तरफ बिल्कुल रास्ता प्लेन दिया गया है। ओए पिगी माफ कर दे, तेरे को भी मरना होगा यहाँ पर। ओए अरे भैया, यहाँ पे हमें काफी सारे एनिमल मिल चुके हैं, लेकिन भैया हमें शीप नहीं मिली। अगर शीप नहीं मिलेगी तो हम लोग यहाँ पे बेड कैसे बना पाएंगे अपने लिए। और मैंने बेड का क्या करना है तेरे को। अरे भैया, बेड तो बनाएंगे तभी तो हम लोग यहाँ पे सो पाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास काफी ज्यादा खाना हो चुका है, तो एक काम करते हैं, हम लोग खाना भी बनाते हैं। और मैंने तूने देखा क्या, यहाँ पे तो रात भी होने को हो गई। ओए हाँ यार भैया, रात भी होने वाली है। तो भैया एक काम करते हैं, जल्दी से हम लोग शिप को ढूंढते हैं। यहाँ पे भैया एक शिप तो मिल गई, इसको जल्दी से मारिए। ओए मना, अभी तक तो अपने पास दो ही वूल हो गई, और हमें सबसे पहले छह वूल की जरूरत पड़ेगी ना। ओए हाँ यार भैया, छह वूल की जरूरत होगी, लेकिन भैया यहाँ पे हमारे पास तो कोई भी शिप नहीं है। ओए मना, ये तो गंदी बात हो गई ना। ओए हाँ यार भैया, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले भैया हम लोग को शिप तो देखनी थी। यहाँ पे भैया हम लोग खाना मारने के लिए लग गए थे। ओए मुना, एक तो ये बेंटन किधर गया। ओए अरे यार भैया, बिल्कुल सामने की तरफ है, बेंटन से थोड़ी बहुत अगर हम वुड ले लें तो वुड से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लिए एक छोटा सा शेल्टर बना सकते हैं। ओए चल बिल्कुल मुना, यहाँ पे थोड़ी सी अपने पास वुड बची भी नहीं है। कोई बात नहीं भैया, हम लोग जल्दी से बेंटन से अपने लिए वुड लेकर आते हैं। तो बेंटन एक काम करो, जितनी भी तुम्हारे पास वुड है वो दे दो हमें। और रुक जाए, फिर तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस खाली करते हैं। ओए जल्दी से भैया बेंटन को बोलिए ना फेंकने के लिए। ओए बेंटन, तेरे दिमाग, ओ ये क्या मरे, तो डर्ट दे रहा है। ओए अरे यार बेंटन, डर्ट नहीं देनी है, जल्दी से तुम हमें वुड दो जल्दी। यहाँ पे भैया ज़ोंबी भी आ गया। ओए बेंटन, तेरा दिमाग खराब है क्या, जल्दी दे देना पागल। ओए जल्दी दे देना। ओए अरे बेंटन, क्या हो गया तुम्हें, जल्दी से दे दो ना। ओए मुना, ओ जल्दी, ओ ये क्या फेंक रहा है बेंटन, ओ ये आ गया ज़ोंबी। ओए अरे भैया यार, ज़ोंबी तो बेंटन के ऊपर अटैक कर रहा है, बेंटन ने आखिरकार वुड तो फेंक दी। ओए बेंटन, इसको मारना, तेरे को क्या हो गया। ओ ये मुना, बेंटन को चक्कर आ गया क्या। लगता है तो भैया बेंटन को चक्कर आ गया। एक काम करते हैं भैया, बेंटन को पानी में पड़े रहने देते हैं, जल्दी से हम लोग अपने लिए ये प्लैंक्स में चेंज करते हैं इनको। ओए मुना, जितने प्लैंक्स है जल्दी से प्लैंक्स में बदल, और जल्दी से अपने लिए शेल्टर बनाते हैं ना। ओए तो बेंटन यार, तुम काम करो, एक जितने भी ज़ोंबी वगैरह आते हैं तुम उनको मारना, हम इतने जल्दी से एक शेल्टर बनाएंगे। ओए जल्दी रुक जा, पहले तो ना खाना खाते हैं। ओए अरे भैया, खाना तो छोड़िए ना, जल्दी से यहाँ पे प्लैंक्स को रखिए। तो बेंटन जल्दी से तुम हमारी रक्षा करो, यहाँ पे कोई भी है उसको जल्दी से तुम मारते रहना। ओए मना, अभी तूने देखा क्या, बेंटन के पास थोड़ी वोड़ भी पड़ी थी। ओए अरे भैया, उसको छोड़िए ना, जल्दी से अपने लिए एक छोटा सा शेल्टर बनाते हैं, क्योंकि भैया जल्दी से पूरा करेंगे तभी तुम्हारा काम हो पाएगा ना। ओए मुना, ये विच कहाँ से आ गई। ओए अरे भैया यार, ये विच को तो मारना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ पे आके हमें पोषण कर सकती है। ओए मुना, थोड़ा बच के रही। ओ ये क्या फेंक रही है। ओए अरे यार भैया, मैं क्या करूँ। ओ ये बच गया। अरे भैया, इसको जल्दी से मारिए, क्योंकि भैया ये मैं कैसे भी करके मार सकती हूँ। ओए मुना रुक जा, थोड़ा इसको फेंकने दे पहले। ओए अरे यार भैया, ओ ये क्या पीछे से बार करता है। अरे भैया, बेंटन को क्या हो गया, बेंटन तो हमारी मदद ही नहीं कर रहा। ओए मुना ये ले, इसको जंप से मारना पड़ेगा। ये जल्दी से मर जाना, कितनी तेरी एचपी है। ओए तो भैया यार, ये तो मर गई है, सबसे पहले ज़ोंबी को मारना पड़ेगा। ओए मुना, अपनी लाइफ तो देख कितनी कम हो गई, ये तीन हार्ट भी नहीं बचे। ओए हाँ यार भैया, तीन हार्ट भी नहीं बचे। एक काम करते हैं, जल्दी से हमारे पास जितने भी खाना है उनको जल्दी खाना पड़ेगा हमको। ओ ये क्या मुना, पीछे तो कोई वार करता है हमारे। ओए अरे यार भैया, एक तो यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हो चुकी है, यहाँ पे हमारे ऊपर पॉइजन भी लग चुका है, मतलब कि भैया हंगर लेवल हो चुका है। ओए मुना, वो कुछ समझ नहीं यार, तू जल्दी से यहाँ पे प्लैंक्स रखा। ओ ये एक मार दिया एक और। ओए अरे यार भैया, हमें भैया यहाँ से भागना पड़ेगा, और अपने लिए एक भैया एक विलेज को ढूंढना पड़ेगा। ओए मुना, विलेज किधर है अपना। ओए अरे यार भैया, विलेज को ढूंढना तो पड़ेगा, यहाँ पे भैया बेंटन भी मर गया। ओए मुना ये क्या, यहाँ पे तो कितना बड़ा रास्ता। ओ ये मुना, कहाँ पे फंस गए हम। ओए अरे भैया, आगे क्रीपर, पीछे स्पाइडर,
ओए आगे बोलना फिर ओए। हाँ भैया, आगे स्पाइडर पीछे क्रीपर, कहाँ पे जाएंगे हम भाई? ओए मैंने ये कोई मैच नहीं करा ओए। अरे यार भैया मेरे को ही पता है, मैं तो भैया इनको चकमा देने के लिए कह रहा था। ओए ऐसी बात है कि जल्दी से फिर तो भागना पड़ेगा मुन्ना आगे किस तरफ। ओए हाँ यार भैया मैं भाग ही रहा हूँ ना, सबसे पहले देखने दीजिए। ओए रुक जा, ओ ये पानी में न गिर जाए। ओए अरे यार भैया इतने सारे यहाँ पे सैपलिंग सीरने लगा दिए। ओए मैंने ये बेंटन का सामान है, चल जल्दी से इसको उठा लेते हैं। ओए अरे यार भैया बेंटन के पास तो 28 वुड के ब्लॉक्स थे, लेकिन भैया उसने अभी तक फेंका नहीं था। और यही तो बात है, बेंटन इतना पागल है। ओए अरे यार भैया बेंटन यहीं पर आ रहे हैं, तो बेंटन तुम एक काम करो, जल्दी से इनका ध्यान भटकाओ और हम जल्दी से आगे चलते हैं। ओए बेंटन एक काम कर, तू जल्दी से ये कोबल स्टोन ले लो, कोबल स्टोन लेके ना अपने लिए एक टावर खड़ा कर दे। ओए हाँ यार भैया आपका बिल्कुल सही आइडिया है, जल्दी से मैंने कोबल स्टोन फेंक दिए, तो तुम बेंटन जल्दी से ये कोबल स्टोन उठाओ और जल्दी से एक टावर बना लो। ओए मुन्ना अपने देख, तो तेरे पास तो आधा हट बच गया। ओए हाँ यार भैया जैसे हम मेरे को हल्का सा ये टच करेंगे तभी हम लोग मर जाएंगे। ओए ये क्या दो दो क्रीपर आ गए। ओए अरे यार भैया तो फटने को हो गए हैं, एक काम करते भैया जल्दी से हम लोग चलते हैं और एक सामने की तरफ हमें टावर की तरफ चढ़ना पड़ेगा। ओए मना जल्दी से फिर तो यहाँ पे टावर बनाना स्टार्ट करना। ओए अरे यार भैया रुके तो, यहाँ पे भैया जल्दी से यहाँ पे टावर बनाते हैं। ओए रुक जा, ओए एक दो तीन चार, मना जल्दी से ये क्या कर दिया। ओए भैया जितने ब्लॉक हैं उनको यूज करते हैं और जल्दी से हम लोग यहाँ पर एक टावर बनाते हैं। ओ ये क्या मुना बेंटन के दे चले गए। ओए अरे यार भैया बेंटन का क्या करना है, हम लोग यहाँ पर जल्दी से खाना खाते हैं क्योंकि भैया हमारा हंगर लेवल तो भैया काफी ज्यादा कम हो चुका है। ओए मुना रुक जा फिर, तो ये देख तो कितनी कितनी कम एच पी बढ़ती है ना। ओए हाँ यार भैया जितने भी हमारे पास फूड है हम लोग फूड को जल्दी से खाते हैं और जल्दी से भैया सुबह को होने का इंतजार करते हैं। ओए मुना ये बेंटन के क्या देख तो फिर तो। ओए अरे यार भैया देखे तो काफी ज्यादा यहाँ पर ज़ॉम्बी और यहाँ पे भैया क्रीपर स्पॉन हो चुके हैं। ओए मुने देख तो तेरे सामने यहाँ पे विलेज था। ओए हाँ यार भैया सुबह होते ही हम लोग उस विलेज के अंदर चलेंगे। ओए रुक जा फिर तो, नीचे की तरफ देखना पड़ेगा कि कोई है या नहीं। ओए नहीं भैया यार मेरे को तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। और रुक जा फिर तो, देखते हैं ना यहाँ पे बेंटन नहीं है, वहाँ पे एक विलेज है, मुन्ना जल्दी से ना सुबह होने का इंतजार करते हैं और जल्दी से वहाँ पे चल पड़ेंगे। ओए हाँ यार भैया जल्दी से सुबह होने का इंतजार करते हैं। तो गाइज यार सुबह भी हो चुकी है, बेंटन भी यहाँ पर ऊपर कोबलस्टोन का एक टावर बनाकर आ गए थे रात में और यहाँ पर हम लोग आपको एक सनसेट दिखाना चाह रहे थे। ओए मना फिर तो दिखाना है, जल्दी से सनसेट दिखा देना। ओए अरे यार भैया ये गलत हो गया, बेंटन कोबलस्टोन का यूज करके आ गए लेकिन भैया वो नीचे कैसे उतरेंगे। ओए मने यहाँ से हो नहीं सकते क्या, हम यूज नहीं कर सकते क्या अपनी पिकेक्स को? ओए नहीं भैया यार हम लोग पिकेक्स का यूज नहीं कर सकते, हम लोग जल्दी से नीचे की तरफ उतारते हैं और नीचे की तरफ उतर के जल्दी से भैया उस विलेज की ओर चलते हैं। ओए मुन्ना फिर तो जल्दी से नीचे उतरना पड़ेगा। ओए हाँ यार भैया मैं नीचे उतर तो रहा हूँ लेकिन भैया इसके अंदर काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ओए मुन्ना बेंटन को तो देख कि बेंटन नीचे उतर रहा है कि नहीं। ओए अरे यार भैया बेंटन उतरता जाएगा, हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं कि वो उतर रहा है कि नहीं। ओए रुक जा, ओए ये क्या मुन्ना बेंटन जलांग मार दे तू वहीं से। ओए ओए क्या अरे यार भैया बेंटन तो सीधा छलांग मार गए हैं और बेंटन क्या पता नहीं उसको चोट लगी होगी कि नहीं। ओए मुने यहाँ से दूसरे पेड़ के ऊपर छलांग मारनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे क्रीपर है। ओए अरे भैया मैं आप बोलते हैं तो मैं उससे पहले कोई काम ही कर देता हूँ। और ये क्या, ये तो क्रीपर यहीं पर आ रहा, चल जल्दी से पेड़ों के ऊपर से टार्जन बन के चलते हैं। ओए हाँ यार भैया मैं तो टार्जन बन के चल रहा हूँ यहाँ से। और यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, चल जल्दी से पानी के तरफ चलते और जल्दी से एक वेज की। ओए अरे भैया क्या हो गया। ओए मुना बेंटन अभी भी नहीं आ रहा, चल जल्दी से ना उस विलेज की तरफ चलते हम लोग। ओए ओके भैया देखने तो दीजिए विलेज की तरफ रास्ता है किधर। ओए रुक जा यहाँ पे बिल्कुल सामने की तरफ चलते हैं ना। ओए अरे भैया यार यहाँ पे शिप भी है, एक काम करते हैं जल्दी से हम लोग इस विलेज के अंदर चलते हैं। ओए रुक जा, ओ ये आगे विलेज के अंदर तो। ओए अरे यार भैया देखिए तो विलेज तो भैया काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। तो भैया एक काम करते हैं हम लोग थोड़ा खाना खा लेते हैं और यहीं पर भैया आज की रात बिता के जितना भी सामान होगा हम ले चलेंगे।
ओए मना चल, बिल्कुल तेरा वो आइडिया ना बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो एकदम एक बढ़िया सा एक ना यहाँ पे शायरी मारता हूँ। ओए अरे भैया शायरी को छोड़िए, यहाँ पे भैया एक यहाँ पर शीप है, तो शीप को मारते हैं। तो भैया चलिए, हम लोगों को सारा हो चुका है, तो भैया चलिए वीडियो को एंडिंग करते हैं। तो गाइस यार वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। अगले पार्ट के अंदर हम लोग ओमनीट्रिक्स को क्राफ्ट करने वाले हैं, तो अगले पार्ट को जरूर से देखना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ओए बिल्कुल वीडियो को बाद में, मतलब कि बाय बाय तुमको ओए।